हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। मंडी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगा दी गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को क्लियर कर दिया था, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों के बाद फिल्म के सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सिखों का कहना है कि फिल्म में इंदिरा गांधी की हत्या न दिखाए, भिंडरावाले को न दिखाए, पंजाब दंगे न दिखाए। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि फिल्म में इनके अलावा दिखाया क्या जाए, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से फिल्म को ब्लैकआउट कर दिया गया। डेस्टिनेशन ना दिखाए, भिंडरावाला को ना दिखाए, पंजाब राइट्स ना दिखाए, आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाए, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डराने और धमकाने की वजह से इतिहास नहीं बदल सकते। 70 साल की महिला पर 30-35 गोलियां दागी गई, गोलियां आसमान से तो नहीं चली, वह कैसे मरी ये सब तो दिखाना ही पड़ेगा। आर्टिस्ट की आवाज को दबाने के लिए कुछ लोगों ने माथे पर बंदूक रख दी है। इन सब चीज से हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने और धमकाने से तो आप इतिहास नहीं बदल सकते ना। जो इतिहास है वो तो हमें दिखाना ही होगा। एक ऑलमोस्ट 70 ईयर ओल्ड वुमेन अपने घर में, उनको 30-35 गोलियां दागी गई, तो वो आसमानी गोलियां तो थी नहीं, किसी ने तो उसको मारा ही होगा। अब आप चाहते हैं कि वो दिखाए ना। इधर सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि फिल्म में उनके समुदाय के लोगों की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। देश भर के सिख इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की जा रही है। फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिर गई है। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने भी कंगना की इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए नेशन मिरर।